राम राम भाई, आज हमारे साथ है टाटा एल्ट्रोज का XZ प्लस वाला वेरिएंट। ये टाटा एल्ट्रोज का पूरा टॉप एंड वाला वेरिएंट है। नीचे आप देख पाएंगे कि क्रोम पूरा इधर से उधर लाइन करता है, उसके ऊपर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है, बीच में है टाटा का लोगो और आपको मिल जाता है डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो कि हेलोजन वाले हैं, उसके नीचे आपको मिल जाता है फॉग लैम्प्स जिसको आप कॉर्नरिंग भी कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको मिल जाता है इंडिकेटर जो कि बल्ब वाला मतलब हेलोजन वाला ही है। फ्रंट से गाड़ी पूरा सुंदर लगता है और ये बेस्ट लुकिंग हैचबैक में से एक है क्योंकि गाड़ी में बहुत सारे कट्स एंड क्रीसेस दिए गए हैं। टाटा एल्ट्रोज आपको तीनों इंजन ऑप्शंस के साथ आते हैं, 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल। 1.5 लीटर डीजल ये है जो आपको 90 PS के साथ 200 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। 16 इंची की लेजर कट अलॉय जिसमें आपको 185/60 R16 वाले टायर साइज आपको मिल जाते हैं गुडियर के। अच्छी खासी स्टेबिलिटी भी मिल जाती है आपको टाटा एल्ट्रोज के साथ कॉयल स्प्रिंग सस्पेंशन में। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स, उसी के साथ आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM जो कि पियानो ब्लैक फिनिश और क्रोम के साथ है। साइड में आपको पूरा पियानो ब्लैक फिनिश, इंटीग्रेटेड डोर हैंडल्स पीछे वाले, बीच में टाटा का लोगो, नीचे एल्ट्रोज बैजिंग, पीछे आपको वाइपर भी मिल जाता है, फॉग लैम्प्स भी है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प्स भी दिए गए हैं, रिफ्लेक्टर्स भी हैं और दोनों साइड्स आपको ब्रेक लाइट्स जो कि LED वाले हैं, पर रिवर्स लाइट आपको वही सेम हेलोजन वाले बल्ब वाले मिल जाएंगे। साइड से आप लुक चेकआउट कीजिए, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, ऊपर रूफ में ये है रेडियो एंटीना। रियर सीट्स में भी आपको अच्छी खासी लेगरूम हेडरूम मिल जाती है, 37 लीटर का फ्यूल टैंक, 345 लीटर्स का बड़ा वाला बूट स्पेस मिल जाता है, बहुत ज़्यादा आप लेगेज लेके जा सकते हैं। अच्छा खासा बॉडी बिल्ड है गाड़ी का, दो पार्किंग सेंसर है नीचे, स्पेस आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, इसके साथ AC भी है। अभी देखते हैं फ्रंट का डैशबोर्ड, पूरा प्रीमियम लुक के साथ आता है गाड़ी। स्टार्ट स्टॉप बटन, फ्रंट एंड रियर फॉग लैम्प्स का प्लेसमेंट और ये है लाइट्स कंट्रोल। स्टेयरिंग आपको फ्लैट बॉटम वाले मिल जाते हैं, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी हैं गाड़ी में, अर्बन गार्डन का म्यूजिक सिस्टम, ऑटोमेटिक AC, उसी के साथ सिल्वर फिनिश में आती है आपको AC पूरा, नीचे एल्ट्रोज का बैजिंग लिखा हुआ, बीच में आपको हैजर्ड इंडिकेटर मिल जाते हैं, आप चेकअप कर सकते हैं पूरा लुक। डुअल टोन में आता है ये डैशबोर्ड पूरा, इको बटन भी दिया गया है, उसी के साथ 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स गियर है, बीच में 2 कप होल्डर, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट, सामने आपको फ़ोन रखने के लिए जगह, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बटन वाले आपको मिल जाते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। चार्जिंग आपको स्पीड चार्जिंग आपको मिल जाती है, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ आती है पूरी गाड़ी, पूरी गाड़ी आपको फुली कनेक्टेड आपको मिलेगी, 4 स्पीकर्स और 4 ट्विटर्स के साथ आती है। इस ऐप के थ्रू आप लाइव ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहां पर है और आपको गाड़ी स्कोर भी बताएगा कि आप गाड़ी किस तरह से चला रहे हैं। सीट्स भी अच्छी खासी आपको लेदरेट वाला मिल जाती है, अच्छी खासी कम्फर्ट और होल्ड करके रखेगा आपको। लेग रूम और शोल्डर रूम में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, पीछे रियर सीट्स में भी आपको ऑटोमेटिक अप एंड डाउन का फीचर मिल जाता है, पर केवल ड्राइवर साइड्स में ही, पूरी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा चौड़ाई में ही, इसलिए अच्छे खासे शोल्डर रूम भी आपको मिल जाएगा। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, एडवांस ABS ब्रेक स्वे कंट्रोल जिसमें गाड़ी आप ब्रेक मांगेगी इधर उधर भागेगी नहीं। पीछे की तरफ आपको कैमरा मिल जाती है जो कि स्टेयरिंग घुमाने से लेफ्ट राइट भी होती है, कोई डोर ओपन रह जाएगी तो गाड़ी आपको सेंस करके बता भी देगा। क्रैश के टाइम आपका जो स्टेयरिंग है वो ऑटोमेटिकली नीचे कोलैप्स हो जाएगा जिसके वजह से आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये भी बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है। और सीट बेल्ट्स भी हाइट एडजस्टेबल है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है गाड़ी में। लगभग 4 मीटर इसका लेंथ होगा और लगभग 1.7 मीटर इसका विड्थ और लगभग 1.5 मीटर इसका हाइट होगा। आपको इस गाड़ी में 2.5 मीटर से भी ज़्यादा व्हील बेस मिल जाती है जिसकी वजह से गाड़ी अच्छी खासी स्टेबल रहती है जो कि इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आयरा कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिल जाती है जिसमें आप रिमोटली गाड़ी को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे, लोकेशन भी जान पाएंगे और आपका गाड़ी का कंडीशन कैसा है वो भी जान पाएंगे। इस क्लिप में आप डोर्स की बिल्ड क्वालिटी चेक कीजिएगा। इस मल्टी ड्राइव मोड्स के साथ आती है, इको, स्पोर्ट, सिटी, सभी तरह के ड्राइव मोड्स आपको निकाल के दे देगा ये गाड़ी। भाई गाड़ी में एक से एक फीचर है, एक्सप्रेस कूल का फीचर मिल जाता है जिसकी वजह से मैक्सिमम चिलिंग कैपेसिटी में गाड़ी रन करेगा। सो आप बात करते हैं कि आपको गाड़ी ये लेनी चाहिए या नहीं। देखिए गाड़ी अच्छा है, नो डाउट, स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छा है, पर छोटी मोटी फ्लॉज भी हैं
बट इसके बावजूद आपको मिल जाता है ज़बरदस्त स्टेबिलिटी और ज़बरदस्त कॉर्नरिंग और ज़बरदस्त हैंडलिंग वाली गाड़ी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इंजन थोड़ा लैकलस्टर है, बट इट्स ओके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।